मेरा ये स्वाब भी गया। कुंडा आ गई बाल्टी था और आप स्लेप पे आया था, बाल्टी टूट गई। आ जा दो दी लस्सी, क्या बात है, नाल तंदूर दी रोटी, मजा आ जाएगा। और गर्मो गर्म आज लेट काफी सारी हो गई होगी, हवा दी वजह तू लेट हुई है, नहीं तो रोटियां भी सांझ रही पक जांदियां। हाँ और जी माशाल्लाह कबूतर जे इधर मामू के आए ने, नहीं जा फातिमा कह रही अब्बा दे, और कितने प्यारे ने, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम बैठे फिर मैं कोई सुन बात रहे तो मेरे साथ बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और जी मैं लवन आया सी नान और मोटरसाइकिल हो गया फिर पंचर, और होया सी जोड़ तू पंचर सही ना इकबाल भाई, मैं कौन है इस वक्त जी टू भी बदल दे बार बार पंचर, और पंचर तो अगर जो है ना 70-80 रुपये ला रुपया ला लेंगे ने, हूँ 4 पंचर पहले लवाने उन्होंने बेहतर, मैं टू भी बदल ली 280 पहले खर्चा किया, हूँ मैं मुड़ लवाई शाम फिर उ हो जाना, वो नान जड़े नो नाल टंगे हुए ने, जल्दी कर लो मैनू भी लेट हो रही, क्योंकि बाकी सारा मसाला वगैरह जो है मैं बना के रख रहा थोड़ा ना मसाला भी उसका भी, और दूसरा जो है ना आलू की कटाई सिर्फ करनी है। मैं आख जो बार बार उन्हें पंचर हो जाता है इन्हें तो जो जान चढ़ाइए, और 550 रुपये जी टूब तब्दील हुई, 450 की टूब, 100 रुपये जी मजदूरी टूब पवावन की, 550 रुपये जी कि पै रही है, तीन साल टूब पवा के फिर जो चलने फैला ले, और पहले टूब नाल ही लैके जा रहा, मैं कभी कम आवेगी और नान भी जो नाल लेट काफ़ी सारी हो पड़ी आता जावा भी बहुत ज़्यादा लेट दे रहा, क्योंकि 10 का टाइम होया बड़ा, पहले जो है 10 बजे समान वगैरह सारा नाल ही करे जो है पहुँच लीए। हाँ जी तो अलहमदुल्ला घर जो है मैं पहुँच गया, और अज बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल ने फिर तंग किया, हाँ जी इस टाइम नान लाए रहे ने, और निकलें पंचर हो गया, फिर वो टूब भी पवानी आई क्योंकि जोड़ के उपर से जेड़ना पंचर के उपर पंचर लगे हुए हैं, इस करके और इधर भी जेड़ लगे हुए हैं, तो बदलनी हो मजबूरी हूँ जोड़ के उपरों में पंचर आन, उन्हें दूसरा तीसरा दिन थी मैं कभी हवा सड़ जाने कभी पंचर हो जाए बेहतर बदला छी। हाँ हाँ और जी माशाल्लाह कबूतर जो है इधर मामू के आए ने, नहीं जा फातिमा कह रही अब्बा दे, और कितने प्यारे ने, क्या बात है, सोने ने ओ इधर ही बह गया ऊपर भी कह रही इधर अपने पकड़ ले जाके ना, हाँ चलो ठीक है, और समान वगैरह जो है मेरा सारा तैयार हो गया, मैं इतने जाना काज के रख के गया से, पकौड़िया का मसाला जो है वो भी तैयार है, चिप्स का भी, और मैं एक ही हूँ मसाला वगैरह जो है ना मतलब कि आग वगैरह नहीं बाल लगे क्योंकि बाहर इन्ना ज़्यादा गट्टा उड़िया खड़ोता है ना, नीरी मिट्टी मिट्टी उड़ी खड़ी है, हूँ अपने कोई ऐसा इंतजाम तो है कोई नहीं, शीशे का क्वांटर होने चीज़ा रख ली कोई गलबात आ, लेकिन अज इन्नी देर तक हनेरी आ, आप समान की तलाई वगैरह जी कोई नहीं करनी, सुबह तो ला के शाम तक अज मैं छुट्टी करा। हाँ जी हाँ क्वांटर बनवाने क्योंकि हाँ जी हाँ क्योंकि हम इस तेज हवा के बहर में समान वगैरह जो मेरा सारा समान जो है ना टोटल बनया पे सिर्फ और सिर्फ जो है चिप्स के आलू की कटाई रही है, दूसरा जो सारा समान मेरा बनया पे लेकिन उन्होंने इन फ्रिज के रख दें उपरले खाने के रख दो खराब नहीं होंगे, ठीक है ना, चिप्स का मसाला भी और पकौड़िया का मसाला भी। हाँ जी इस टाइम रोक गई उस टाइम जो ना दोबारा मतलब कि समान वगैरह जो तलाई तल मैं कहना हूँ इन तल के बाहर रख लवा समान उपर नीरा पानी अगर मैं छिड़क भी लिया ना तो मैं अपने दरवाजे के अगर छिड़कागा बाकी जो सारा गट्टा इधरों उड़ के जो रोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से जो ना मैं कहना निरी क्रिकेट जी बन जानी कस्टमर खराब करा वाली गल, और मैं सुबह सवेरे उठ के जो ना सारा समान जो है ना बनाया लेकिन हूँ हवा जी तेज चल गई आ, लेकिन कोई नहीं अल्लाह का शुक्र है फ्रिज है मेहनत जाया नहीं होगी ना ही मसाले वगैरह खराब हो गए, जिस टाइम हवा वगैरह होगी ना निरा गट्टा जो उड़िया खोते भरवा रेत पई होती वजह तो जो इतने हूँ मैं लानी है वो निरी क्रिकेट जी बन जानी है मिट्टी और मिट्टी डाल जाएगी। सलाम अलैकुम कोई नहीं इंशाल्लाह हवा जी रुक जाती ना फिर उस तू बाद कढ़ाई कर लेना, मैं हाली मैं नाश्ता जो सवेरे किया एक रात सिर्फ खाया सी नुमान के नाल नुमान जी असम स्कूल जान लग्या सी, और रोटी जी नाल तक कोई नहीं खाती और बेगम साहब नाल तक रोटी पकाई भी कोई नहीं, सारे पहले तुम रोटी पका के दे दो मैनू रोटी खा लेने तो मैं भी जो सोच रहा कि मैं
ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੇ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕਰਾ ਵਾ ਚੱਲੀ ਖੜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੰਦੂਰੀ ਬਾਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਗੱਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਟਾ ਹੋਣਾ ਥਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਰਾ ਗੱਟਾ ਹੀ ਗੱਟਾ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਆ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਗੱਟਾ ਚੰਬੜ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡਿਆ ਖੋਤਾ ਇੰਨਾ ਗੱਟਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਉਂਗਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣਾ ਬੈਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਗੱਟਾ ਬਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਆ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਲਾਮ ਮਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੋ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਪਕਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਯਾਦ ਪਹਿਲੇ ਆਟਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੜੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਾ ਸਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਆਟਾ ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਟਾ ਖਾ ਲਓ ਉਸ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਾ ਨਾ ਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨੁਮਾਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮੂ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੱਕਦਿਆਂ ਤਿੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਟਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਬਸ ਪਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਲੈ ਬਸ ਕਰ ਔਰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਲਓ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਡੱਬਾ ਹੋਰ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਕੋਠੇ ਦੇ ਬੰਦ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਰੱਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇੱਧਰਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜੇ ਦੇ ਲਵੀਏ ਔਰ ਕੰਬਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਵੀਏ ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਲਵੀ ਔਰ ਤੂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦਲਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਫੁਟਾ ਰਿਹਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾੜੀਆਂ ਨਿੰਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿਲੇ ਹੋਣੇ ਇਦਲੇ ਇਹ ਨਿੰਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਤੱਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਖੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਲਾ ਆਵਾਂਗੇ ਬੀਜ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਕੰਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਪਿਆ ਕਿਚਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡੂ ਵਿਆਰ ਸੇਕਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਰਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਆ ਚਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਝ ਲੰਘ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਵੇ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭਰ ਲਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਗਰਮ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੜਾਈ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ
अज हवा की वजह से मेरी छुट्टी हुई खड़ी है, लेकिन रुक जाती हूँ क्योंकि बदल भी जड़ा ना है काफ़ी सारा जड़ा इधर साइड थोड़ा बहुत बदल भी है। हाँ बारिश हवा वगैरह चली खोती बारिश आएगी एक दो दिन तिकर। हाँ मेन मसला मैनू आ ज्यादातर बनया खड़ोता बाहर गट्टा बहुत ज्यादा, अगर मेरे शीशे के क्वांटर होंगे ना रेहड़ी से फिर मैं टेंशन वगैरह कोई अड्डे उपर में फटे उपर शीशा लगे होंगे ना तो गले ही बने होंगे भी अलहद अलहद खाने वेज इन्ना चिप्स पई हो पकौड़े पे हो समोसे सारी चीज़ा वो क्वांटर वगैरह बनया होंगे फिर मसला गट्टे का कोई ना। तो लेकिन हूँ जरा मेरा ओपन चीज़ा पाइया ने तो रेत वगैरह तो पर मिट्टी इन्नी रेत कोई नहीं उठती जिनी पर मिट्टी जी ना गुआढ़िया लोड के एक रोड है व्डा तो ट्रक स्पीड ना टपते उन्होंने ट्रकों एंज की चंगा हनेर का झोला आंदा एक बार इन्ना गट्टा उड़ाते हैंनेर और ट्रक वाले उनकी वजह तो मैं आखिर जाना छुट्टी कर ली क्योंकि मैं गाह खराब करा लै जाने मेरी मिट्टी रेत बेच उनका फायदा कोई नहीं। तो इन शाला उम्मीद का सैकेंड टाइम तिकर तो हवा रुक जाएगी उस टाइम ला लवेंगे। हाँ ये पापा ना किसी सौन वास्ते टंगे ने बच्चे ने टंगे ने मैं मान टंगे होने चलो ठीक हो गया मैं पानी दे लवान। हाँ आ कुंडा वगैरह भी देना कोई नहीं है। सारा सेट बैठा पानी अगले बूटे पहुंचे काम तो बड़ा खराब हो गया मैं देखे पानी सारा जया थले ले गया पहले वाली बाल्टी गायब होगी थले हो ला सारा उन्हें पानी चला गया और पहले जाना मैं पानी दे पा ज्यादा एलोवेरे के बूटे उनकी वजह तो गल गया हूँ पानी बिलकुल थोड़ा ही दिन वह भी पत्त दिन बाद बिल बहुत ज्यादा आंदा मैं क्या वक्त चंगा क्योंकि पानी दे भी मोटा तो 100 रुपए की तो बिजली चली जाती
मेरा ये स्वाब भी गया। कुंडा आ गई बाल्टी का और हाथ स्लिप होया तो बाल्टी टूट गई। और सारे गार्डन नूं पानी जेहा देता और अद्धे गार्डन तो बाल्टियां दिता लेकिन बाल्टी टूट गई। फिर वही जिस गल का डर सी वही होया अटक जाना देना पै गया पैंप ने पानी थले नूं पानी पैंप ने दिता और एक तूत के खड्डे नूं जाना पैंप नाली पानी दिता। चलो बाकी सारे गार्डन पानी दिप गया और मैं इन्हें लहदा गंबला भर के पानी दे रखना फिर ही बूटियां दे विचों आण के पानी पींदे ने कव। चलो जिथे मर्जी पीवन और बेगम साहब जाना बना रहे हो रोटियां और नाल मिर्चा जी धो के बैठे ने मिर्चा तिड़काऊ ने। चलो ठीक हो गया चलो और नाल मिर्चा तो नाल जो दुध की लस्सी क्या बात है नाल तंदूर की रोटी मज़ा आ जाएगा। और गर्मो गर्म अज लेट काफ़ी सारी हो गई भैया हवा की वजह तू लेट हो या नहीं तो रोटियां भी सांझ रही पक जा और नुमान नाल जो नाश्ता करके नाल सेब देता। चलो और बाल्टी जी टूट गई बड़ा दुखा मैनू उदू ही नवी बाल्टी चालू पैन। हाँ चलो गार्डन पानी तो जाना दिप जाना सौ की बचत करके नहीं उन्हें 400 दी रही नहीं अभी भी दी रही पी आई हाँ नवी लवी है तो 400 दी मिलनी। हाँ रोटी डिगू आए उन्होंने नहीं साढ़े किस्मत च नहीं डेग सकनी देखी 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 पक्की पकाई ना डेग लवी सड़ गई जल्दी कर बच गई। ओ सामने वाले का ख्याल रखा जे पक्की खड़ी होगी मक्खन होवे तो बंदा वो तो रोटी ले उपर लादा समझ आती डाल्टा उपर ला देनी थोड़ी पक लैन दो कचेरी इतों तो सड़ी जाती लेकिन उपली साइड तो कच्ची है थोड़ी जी। चल और है जो इन्हें वी आई पी रोटी पक गई है बच्चे भी जाना शायद लेना आए शायद जो इन्हें बच्चे देती और नमक में लेके आ गया मिर्चा बिच रख के नमक पा ले के तुम बाहर पे होता तो पाओ नमक और मिर्चा जी तिड़क रही है बिच मिर्चा कुतरी बड़िया वड़िया वड़िया छड़िया ने थोड़ी छोटिया छोटिया रखनिया चलो ठीक और जी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रोटी जी पाक की रोटी खाने और आज दा व्लॉग भी जेना कर रहे इत्थे खत्म इंशाल्लाह मिलने एक स्नैक्स जिते व्लॉग दे चुर दुआ कर सारे बैंड भी हवा गुले सही बहरहाल मठी मठी हवा गुले क्योंकि हवा बंद भी हो जाए तो जेना बहुत ज्यादा घबराहट और हबस वगैरह बन जाती लेकिन हवा तेज़ गुली खोती होने की वजह से मेरा काम बंद आ थोड़ी जी हवा मठी हो जाए तो इंशाल्लाह मैं जो तलाई का समान जाना इतने लाया और अड्डा जो लाव क्योंकि समान मेरा सवेर का जो जिम्मे कि सारा तुम विखाया तैयार करके जो बैठा सिर्फ हवा हूँ मठी होगी तो मैं काम जाना शुरू कराँगा हवा की वजह से मेरा काम बंद हो गया तो इंशाल्लाह अपना ढेर सारा ख्याल रखे जो दुआवों याद रखे जो सारे बैंड भी दुआ कर दे शायद बारिश आ जाए मौसम ठंडा हो जाए और मेरा काम जो है डबल चले मतलब गर्मी के ज़्यादा इन्ना नहीं होंगे क्योंकि बच्चे चीज़ लवन आने तो उन्होंने फैमिली मतलब माँ बाप कहें कि गर्मी आ इन्नी गर्म चीज़ा जी नहीं खानी सर्दी होवे ना फिर बड़िया का ही दिल करता निक्कियां दा ही एवें ही ना क्यों अगर सर्दियां भी आ जाणियां ने काम तो इंशाल्लाह चलेगा अपना सर्दियां केड़ियां दूर रह गईयां ने महीने दो महीने तक फुल सर्दियां आ जाणियां हाँ तो इंशाल्लाह ओए लाए सर्दी च उतने देर तक करें इंशाल्लाह गैस ला लवेंगे क्योंकि पहले काट के रखे तो बर्फ हो जाए चीज़ा कि नहीं गैस होगा ना सज्जा एक एक कूड़े क्ढी रखा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन्नी देर तक साढ़ा कोई क्वांटर ही बन जाएगा कोई छप्पर उपर जो बन जाएगा भी बारिश आ जाए तो बारे दुकानदारी होंगी रहे छप्पर उपर हो इंशाल्लाह सर्दियों तक मैं जान बन जासी अपना ढेर सारा ख्याल रखे जे दुआव याद रखे जे और रोटी खानी सारे बैन बजे दावा तो रोटी तैयार है तो इन्होंने दुआव ने दो इजाजत अल्लाह हाफिज़।